नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइड, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। गाइज, कार्बोहाइड्रेट से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में ऐसे लेकर के जेड तक सारी जानकारी देने वाला हूँ, हिंदी व इंग्लिश दोनों में। गाइज, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या है, किन से आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में बताने वाला हूं, जैसे कि मोनोसेकेराइड क्या है, डाइसेकेराइड जो कि एक ओलिगोसेकेराइड का उदाहरण है, पॉलीसेकेराइड के बारे में बताने वाला हूं, गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है, शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसलिए बेटा आपको वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक देखना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए कार्बोहाइड्रेट। हेडिंग क्या लगानी है आपको? कार्बोहाइड्रेट। ध्यान से समझना बेटा, कार्बोहाइड्रेट हिंदी में बेटा सेम नाम है, हिंदी में भैया सेम नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को आम भाषा में शुगर या शर्करा कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको यह लिखना है, इसे क्या कहा जाता है, इसे शुगर या फिर बेटा हम शर्करा कहते हैं आम भाषा में। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि कार्बोहाइड्रेट को आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो शुगर या शर्करा के नाम से जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब ध्यान से सुनिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट जो टॉपिक है बेटा, इस टॉपिक को एक चैप्टर होता है, उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन न्यूट्रिशन, यानी कि मानव पोषण। इस चैप्टर में पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी इस चैप्टर के बारे में लेते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू बेटा कार्बोहाइड्रेट को करेंगे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम जिस चैप्टर में पढ़ते हैं, उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन अर्थात मानव पोषण। अब सबसे पहले बेटा इस चैप्टर की मीनिंग समझिए, इसका मतलब क्या है, ह्यूमन न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, मानव पोषण का मतलब क्या है। देखिए, ह्यूमन जो शब्द आ रहा है बेटा, ये हमारे लिए आ रहा है, यानी कि मनुष्य के लिए आ रहा है। बात आती है न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, पोषण का मतलब क्या है। देखिए बेटा, न्यूट्रिशन का मतलब है न्यूट्रिएंट से, जो न्यूट्रिएंट होते हैं अभी आपको बताएंगे, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व। अब पोषक तत्व कौन कौन से हैं, जैसे कि बेटा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या जिसे आप लिपिड्स या वसा कहते हो, वाटर, विटामिन, जिसे आप विटामिन भी कहते हो, मिनरल, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, फैट, लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी बेटा आपके न्यूट्रिएंट है, ये सभी आपके पोषक तत्व है। और इन पोषक तत्वों को इनटेक यानी कि ग्रहण करना ही क्या कहलाता है बेटा, न्यूट्रिशन कहलाता है, पोषण कहलाता है। जो ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है एक्चुअली में, इसे कहा जाता है। अब भैया बात यह आती है कि ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ये जो पोषक तत्व होते हैं, इन्हें हम ग्रहण क्यों करते हैं, ताकि बेटा हमारी जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ हो सके। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि या फिर डेवलपमेंट हो सके, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास हो सके। इसलिए बेटा हम इन न्यूट्रिएंट को ग्रहण करते हैं, और इन न्यूट्रिएंट को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है बेटा न्यूट्रिशन। और हमारे शरीर में हो रही है ये सारी प्रक्रिया, तो उसे नाम दिया जाता है बेटा ह्यूमन न्यूट्रिशन, यानी कि मानव पोषण।
अब इस चीज को जो मैंने आपको समझाया है इसको मैं एक बार और समझा देता हूं और उसके बाद में इसकी डेफिनेशन लिखता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने कहा बेटा अब तक कि कार्बोहाइड्रेट को आम भाषा में शुगर या शर्करा कहा जाता है। हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जिस चैप्टर में पढ़ते हैं बेटा उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी कि मानव पोषण। इसका मतलब क्या है? ह्यूमन का मतलब बेटा मनुष्य से है यानी कि हमसे है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है बेटा हिंदी में पोषण। न्यूट्रिशन क्या है? तो हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो पोषक तत्व होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट लिपिड्स वाटर विटामिन्स मिनरल्स इन सभी को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहा जाता है बेटा न्यूट्रिशन या पोषण कहा जाता है। इन्हें हम क्यों ग्रहण करते हैं? ताकि बेटा हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। अब इसे एक लाइन में मैं लिख देता हूं। मैं लिखता हूं कि मनुष्य के शरीर की वृद्धि व विकास के लिए जो पोषक तत्व है इन पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भैया? तो मानव पोषण कहलाती है या फिर ह्यूमन न्यूट्रिशन कहलाती है। तो अब आपको समझ में आया हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यानी कि वृद्धि और विकास के लिए बेटा जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो पोषक तत्व होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट लिपिड्स वाटर विटामिन मिनरल्स इन सभी को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा? ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी कि मानव पोषण कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और देखिए बेटा बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट आपको किस चीज से प्राप्त होता है। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे स्रोत हैं जैसे कि जूस मिठाइयां फल गुड़ चीनी शहद गन्ना ब्रेड रोटी आलू चावल मक्का दूध गेहूं ये सभी बेटा कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। आगे मैं आपको आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही पढ़ाने वाला हूं तो इसके बारे में हम इसके स्रोत डिटेल में आपको दिखवाएंगे। प्रोटीन के बारे में बात करें बेटा तो प्रोटीन के अच्छे स्रोत है जैसे कि दूध अंडा दाल मांस चिकन ये सभी प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। फैट लिपिड्स वसा के बारे में बात करें तो इसके सोर्स क्या है, इसका अच्छा स्रोत क्या है? तो जितनी भी चिकनाई युक्त चीजें हैं बेटा सभी लिपिड्स के अच्छे स्रोत माने जाते हैं जैसे कि घी तेल डालडा बटर चीज मक्खन ये सभी बेटा लिपिड्स वसा के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। वाटर तो पानी है इसके क्या स्रोत है। विटामिन्स के बारे में बात करें तो हरी सब्जियां फ्रूट्स इन सभी से आपको अच्छी मात्रा में विटामिन्स मिनरल्स जो होते हैं जो हम दैनिक जीवन में बेटा जो चीजें खाते हैं खनिज तत्व उन्हीं से ही आपको ये खनिज तत्व मिनरल्स प्राप्त होते हैं। इनका हमारे शरीर में बहुत बड़ा योगदान रहता है। इतनी बात क्लियर है। अब जो न्यूट्रिएंट होते हैं बेटा इन न्यूट्रिएंट को ये जो पोषक तत्व होते हैं इन पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। इसका दो तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, दो तरीके से इसका वर्गीकरण होता है। लेकिन यहाँ पर हम जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे एक चीज सिर्फ एक ही आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है किसका, इन न्यूट्रिएंट का इन पोषक तत्वों का। तो सबसे पहले आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी, आ गई ना? तो इसको मैं मिटा देता हूँ। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बेटा अगर आप बिल्कुल एंड तक ये वीडियो देखोगे तो। मैं बिल्कुल आपको आसान भाषा में सारी की सारी ही चीजें क्लियर करवाने वाला हूँ, एक एक चीज लिख के करवाने वाला हूँ। जो मैं आपको बोल बोल के समझा रहा हूँ वो सारी चीजें मैं आपको जरूर लिखवाऊंगा। देखिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पोषक तत्व होते हैं इन पोषक तत्वों को बेटा दो भागों में बांटा गया है, दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक क्लासिफिकेशन एक वर्गीकरण मैं आपको बता रहा हूं, दो तरीके से बांटा गया है। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि
कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि अकार्बनिक यौगिक। अब भैया नाम से स्पष्ट हो रहा है, कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है। मैं राइट का चिन्ह लगा रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि इनमें कार्बन पाया जाता है। और अकार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें बेटा कार्बन नहीं पाया जाता है। सिंपली यहाँ तक कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो एक है भैया कार्बोहाइड्रेट, दिख रहा है आपको, हाँ। दूसरा है प्रोटीन, ये भी दिख रहा है आपको, हाँ प्रोटीन दिख रहा है। और तीसरा कौन सा है भैया, तीसरा है आपका फैट जिसे आप लिपिड्स भी कहते हो। और चौथा है विटामिन यानी कि विटामिन्स। ये चार ऐसे बेटा न्यूट्रिएंट है, ऐसे चार पोषक तत्व है जिनमें कार्बन पाया जाता है। जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में आगे पढ़ाऊंगा तब वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है बेटा कि इसमें कार्बन पाया जाता है। और अभी मैं बेटा कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर आपको समझाने वाला हूँ, इसकी सूत्र की सहायता से भी आपको समझाने वाला हूँ कि इसमें वास्तविकता में कार्बन पाया जाता है। तो कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है। और ये कार्बनिक यौगिकों में, ये कार्बनिक यौगिकों के उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स और विटामिन। और अकार्बनिक यौगिकों के उदाहरण कौन कौन से हैं, अकार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। और इसके उदाहरण है बेटा वाटर। अब वाटर का सूत्र क्या होता है, H2O, तो इसमें कार्बन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, इसलिए बेटा ये अकार्बनिक यौगिक का उदाहरण है। दूसरा होता है मिनरल, मिनरल्स। अब मिनरल्स में कार्बन पाया जाता है कि नहीं, जैसे कि सोडियम है कहाँ पाया जाता है, क्लोरीन है, पोटेशियम है और सल्फर है, कहाँ पाया जाता है इसमें, नहीं पाया जाता बेटा, ये खनिज तत्व है। तो इसमें तो वाटर में और जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज तत्व होते हैं, ये दोनों ही अकार्बनिक यौगिक के उदाहरण हैं। इतनी सारी कहानी आपको समझ में आई, ओके। अब दो चीज़ें और हैं उसके बारे में और समझिए। पहली, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट लिपिड्स होते हैं ये बेटा एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं यानी कि ये ऊर्जा उत्पादक अणु होते हैं। इनसे बेटा ऊर्जा का निर्माण होता है, इनका मेटाबॉलिज्म होता है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट लिपिड्स का। इनका डाइजेशन होता है और इनसे ऊर्जा का निर्माण होता है। इतनी बात क्लियर है। लेकिन बेटा वाटर की बात की जाए, मिनरल्स की बात की जाए और विटामिन की बात की जाए, इनसे कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो मैं आगे जब आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाने वाला हूँ वहाँ पर मैं आपको वहाँ पर यह भी बताऊँगा कि कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी मॉलिक्यूल है यानी कि ऊर्जा उत्पादक अणु है। और ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया बेटा, एग्जामिनर बहुत अलग अलग तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि एक गिलास पानी पीने पर कितनी ऊर्जा का निर्माण होता है या आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी। तो गाइज अभी अभी मैंने क्या बताया, अभी अभी मैंने आपको ये बताया कि पानी से कोई ऊर्जा मिलती ही नहीं है क्योंकि पानी का मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है, इसका डाइजेशन होता ही नहीं है। तो बेटा जिसका मेटाबॉलिज्म होता है, जिसका डाइजेशन होता है, उससे ही एनर्जी मिलती है। लेकिन याद रखना है वाटर का, विटामिन का और मिनरल्स का, इनका मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है, इस वजह से इनका, इनसे एनर्जी मिलती ही नहीं है भैया। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब गाइज पिछली 13-14 मिनट में हमने ये जो सारी कहानी पढ़ी है ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, अब मेन कार्बोहाइड्रेट तो अब आपका शुरू होने वाला है। इसलिए याद रखना बेटा एक क्लास भी थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक देख लेते हो तो यकीन मानिए आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा दे लेना, आपका सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कराते हुए चल रहा हूँ। क्वेश्चन है, एक बार ये थ्योरी पढ़ने के बाद में, ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में कोई सी भी बुक उठा लेना और उसमें से क्वेश्चन देख लेना भैया, अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो मेरी गारंटी है। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, गलती से मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं होता है, तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए एक रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। गाइज, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट करिए। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब भैया आगे चलते हैं। तो मैंने मिटा देता हूँ, मिटा दो भैया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भैया, अब बात आती है कार्बोहाइड्रेट की। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट तोड़ के देखते हैं बेटा। कार्बोहाइड्रेट, देखिए यहां पर आपको दो चीजें दिखाई दे रही होगी, एक कार्बो और एक हाइड्रेट। कार्बो का मतलब है बेटा कार्बन से, और हाइड्रेट का मतलब है बेटा जल से, यानी कि वाटर से। केमिस्ट्री में हाइड्रेट जहां भी शब्द आपको दिखाई देता है बेटा, उसका मतलब होता है जल, और जल का सूत्र होता है H2O, और कार्बन को हम C से दर्शाते हैं। तो कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर के बना होता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो कार्बन से और हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है वो कौन है? वो बेटा कार्बोहाइड्रेट है। ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है वो कौन है? वो कार्बोहाइड्रेट है। और यहां पर बेटा याद रखना, कार्बन, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होता है वो 1:2:1 में होता है। जैसे कि मैं कुछ कार्बोहाइड्रेट के आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6। अगर आप यहाँ पर भी अच्छे से देखते हो तो 1:2:1 में टूटता है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जो मैंने कहा शुरुआत में कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है वो क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट है। और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में होते हैं? तो 1:2:1 में होते हैं। एक एग्जाम्पल और देता हूँ कार्बोहाइड्रेट का, जैसे कि C11H22O11। इसमें भी आप देखते हो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात तो 1:2:1 होता है। तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है वो क्या है? वो है बेटा कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ पर जो कार्बन, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो किस अनुपात में होता है? तो बेटा 1:2:1 में होता है। याद रखना बेटा, जो कार्बन, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट्स है, ये तत्व है। और जब बेटा ये एलिमेंट जुड़ते हैं तब जाकर के मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, यानी कि तब जाकर के अणु का निर्माण होता है। तो मैंने इसकी डेफिनेशन क्या लिखी थी कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, वो कौन है? वही है बेटा कार्बोहाइड्रेट। वही क्या है? वही है बेटा कार्बोहाइड्रेट। वही क्या है बेटा? वही कार्बोहाइड्रेट है। बोलो, इतनी बात क्लियर? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में होता है? तो 1:2:1 में होता है। इतनी बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बेटा लास्ट स्लाइड में मैंने आपको जो चीज़ें समझाई थी उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कहा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। ये भैया एनर्जी मॉलिक्यूल है, यानी कि ऊर्जा उत्पादक अणु है, ऊर्जा उत्पादक अणु है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और लिपिड्स का, इनका मेटाबॉलिज्म होता है, चयापचय होता है, यानी कि इनका डाइजेशन होता है। और इनसे हमें क्या मिलती है? इनसे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा। तो ये ऊर्जा उत्पादक अणु है बेटा। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, जिसे आप लिपिड्स भी कहते हो। इतनी बात क्लियर है?
कोई परेशानी। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है, तो दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे लिख लीजिए कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। यहां तक कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें मैं आपको करवा रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया। देखिए भैया, यहां तक कहानी समझ में आ गई आपको? ओके। अब बात करते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है। अब बात करते हैं बेटा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.0 से लेकर के 4.2 किलो कैलोरी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 4.0 से लेकर के 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इतनी बात क्लियर? किसी को कोई परेशानी? नहीं होनी चाहिए। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसको एक दिन में कितनी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, स्वस्थ व्यक्ति को, तो स्वस्थ व्यक्ति को आवश्यकता होती है बेटा लगभग 350 से 450 ग्राम प्रतिदिन, 350 से 450 ग्राम प्रति डे बेटा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को 350 से लेकर के 450 ग्राम प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो बेटा 4.0 से लेकर के 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या है। भाई कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या है, ऐसा क्या खाए ताकि आपको बेटा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो। भाई हमारे शरीर को प्रतिदिन 350 से लेकर के 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, तो ऐसा क्या खाए जिससे बेटा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो। देखिए, जूस, फ्रूट, उसके अलावा स्वीट मिठाई, उसके अलावा गुड़, चीनी, शहद, गन्ना, बादाम, मूंगफली, काजू, रोटी, ब्रेड, चावल, गेहूं, आलू, मक्का, दूध आदि, ये सभी आप खाने पर बेटा आप सबको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। अगर आपने जूस पिया, फ्रूट्स खाए, मिठाइयाँ खाई, गुड़, चीनी, शहद, गन्ना, बादाम, मूंगफली, काजू, रोटी, ब्रेड, चावल, गेहूं, मक्का, आलू, दूध, इन सभी के सेवन से बेटा आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। लेकिन डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होती बेटा, इसका डाइजेशन होता है। ये सभी चीजें खाते हो आप तो ये तो जटिल यौगिकों के रूप में खाते हो, इनका मेटाबॉलिज्म होता है, इनका डाइजेशन होता है, जिससे फिर आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। और फिर बेटा कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है,
फिर भाई कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होता है, कहने का मतलब यह है कि ये चीज खाने पर आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है और इस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, इस कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, तब जाकर के आपको एनर्जी मिलती है। और मैंने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, यानी कि ऊर्जा उत्पादक अणु है, ऊर्जा देने वाला एक अणु है, बताया था आपको मैंने। अब भैया ये तो सोर्स हो गए, ये हमने देखा कि एक स्वस्थ व्यक्ति को कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, तो 350 से लेकर के 450 ग्राम, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से इतनी आपको एनर्जी मिलती है। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में कैसे होता है। यहां तक किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो भैया मैं मिटा देता हूं और अब हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है। तो ये जितनी भी सारी चीजें आपने खाई है, जैसे कि मिठाइयाँ, जूस, फल, गुड़, चीनी, शहद, बादाम, मूंगफली, आलू, चावल, मक्का, ब्रेड, रोटी, दूध, इन सभी से आपको बेटा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। अब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, किस तरीके से डाइजेशन होगा और किस तरीके से इसे एनर्जी बनेगी, अब उसके बारे में जानते हैं। देखिए बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इस कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं। किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में, हिंदी में भी सेम नाम है। और ये स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, जिसके बारे में हम आगे आपको 10-15 मिनट के बाद में बताने वाले हैं। इस स्टार्च को बेटा माल्टोज शुगर में कौन बदलता है? तो आपकी जो सलाइवा होती है, आपकी जो लार होती है, इस लार में एक एंजाइम पाया जाता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, और इसी का ही दूसरा नाम होता है भैया टाइलिन अमाइलेज एंजाइम। और ये लार कहाँ होती है? तो आपके मुंह में होती है। तो कहने का मतलब, मैंने कहा शुरुआत में कि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का बेटा सबसे पहले पाचन होता है इन तीनों में से, और कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत आपके मुंह से ही हो जाती है। आपके मुंह में क्या पाई जाती है? सलाइवा पाई जाती है, लार पाई जाती है, और इसी लार में सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। और आप जो कार्बोहाइड्रेट होती है, उस कार्बोहाइड्रेट को आप स्टार्च की फॉर्म में खाते हो, और इस स्टार्च को माल्टोज शुगर में तोड़ने का कार्य कौन करता है? तो बेटा ये लार में पाया जाने वाला सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, और इसी का ही दूसरा नाम होता है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, ये करता है। इसलिए आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो एथलीट खिलाड़ी होते हैं, इन एथलीट खिलाड़ियों को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट, यानी कि कौन सा पोषक तत्व, कौन सा न्यूट्रिएंट्स यानी कि कौन सा पोषक तत्व दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और बेटा बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। तो किसका? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है बेटा। क्यों दिया जाता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत मुंह से ही हो जाती है, इसलिए बेटा इससे कार्बोहाइड्रेट से आपको तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। क्यों होती है तुरंत ऊर्जा प्राप्त? क्योंकि बेटा सबसे पहले इसका पाचन की शुरुआत आपके मुंह से हो जाती है, और बेटा तुरंत पाचन होगा तो तुरंत ऊर्जा मिलेगी, है कि नहीं है? तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि जो एथलीट खिलाड़ी होते हैं, उनको तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट यानी कि कौन सा पोषक तत्व दिया जाता है? तो बेटा कार्बोहाइड्रेट का घोल दिया जाता है। किसका घोल दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है उसका घोल दिया जाता है। देखो होगा आपने कभी कभी, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हो तो क्रिकेट मैच में कभी कभी जो खिलाड़ी होते हैं, अगर वो लंबे समय से खेल रहे हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट युक्त चीज़ मंगाते हैं ताकि उनको तुरंत एनर्जी प्राप्त हो सके,
क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत मुंह से हो जाती है, इस वजह से बेटा वो कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं ताकि उनको तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो और वो अच्छे से खेल सके। इतनी बात क्लियर है? तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया बेटा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये और पूछा जाता है, एक बार शायद CDS के एग्जाम में पूछा गया था कि जब आप रोटी चबाते हो तो रोटी आपको मीठी लगती है थोड़ी बहुत। कभी कभी आपने भी देखा होगा जब आप लंबे समय तक अगर आप रोटी को चबाते हो और निगलते नहीं हो तो आपको जो रोटी होती है वो मीठी मीठी सी लगती है, वो ऐसा किसके कारण होता है? देखिए, जो रोटी होती है बेटा उस रोटी में स्टार्च होता है, जो रोटी होती है इस रोटी में ये स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? ये स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। और आपके मुंह में जैसे ही ये रोटी जाती है तो मुंह में लार में पाए जाने वाला ये जो एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या फिर टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, इस स्टार्च को बेटा माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और माल्टोज शुगर क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इसी माल्टोज शुगर के कारण जैसे ही ये स्टार्च माल्टोज शुगर में कन्वर्ट हुआ तो इसी माल्टोज शुगर के कारण बेटा आपको रोटी मीठी लगती है। तो ये क्वेश्चन भी एक बार आपसे एग्जाम में पूछा था, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। गाइज यकीन मानिए आप कहीं सर भी पढ़े हो, लेकिन अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं सीखने को मिलेगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ओके, तो दो क्वेश्चन क्लियर हो गए यहां से। अब आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का संपूर्ण पाचन करते हैं। याद रखना बेटा मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है। मैंने क्या कहा कि कार्बोहाइड्रेट का मुंह में पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है, आगे जाता है बेटा। खाना पहले तो मुंह में गया, मुंह के बाद में भोजन नली की सहायता से आपके पेट में पहुंचता है, 3 से 4 घंटे तक पेट में रुकता है, फिर उसके बाद में छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत में जाता है, तब जाकर के जो अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकलते हैं। तो छोटी आंत के बाद में भोजन नली की सहायता से आपके पेट में जाता है और बेटा पाँच में पेट में आपके कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका पाचन नहीं होता, और कार्बोहाइड्रेट के बाद में भोजन जाता है छोटी आंत में। और बेटा फिर छोटी आंत में एक एंजाइम पाया जाता है, कौन सा? माल्टेज एंजाइम। ये माल्टेज एंजाइम, ये जो माल्टोज शुगर है, इस माल्टोज शुगर को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। और याद रखना बेटा ग्लूकोज के बाद में कार्बोहाइड्रेट नहीं टूटता है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है ये एक मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। मैं ये कह सकता हूं कि ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है, ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है, ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है। देखो कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी इकाई होती है एक्चुअली में वो सेकेराइड होती है। वो क्या होती है? वो होती है बेटा सेकेराइड, वो होती है सेकेराइड। और ये सेकेराइड जो होता है अभी आपको हम आगे पढ़ाएंगे, 3 प्रकार की होती है, एक होती है मोनोसेकेराइड, एक होती है ओलिगोसेकेराइड, एक होती है पोलोसेकेराइड। तो जो मोनोसेकेराइड होती है जिसमें सेकेराइड की सिर्फ एक इकाई भाग लेती है उसी का ही उदाहरण होता है बेटा ग्लूकोज, इसलिए आप ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई भी कह सकते हो। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं तो आने वाले कुछ 10 मिनट के बाद में आपको सारी की सारी ही चीजें समझ में आ जाएगी। उसके बाद में बेटा हमारी कोशिकाओं में जो ग्लूकोज होता है इसका सूत्र होता है C6H12O6। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बेटा हमारे शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो ATP के रूप में होता है। और फिर ये जो ऊर्जा है, ये जो ATP है, इस ATP की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी अक्सर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि ATP की फुल फॉर्म क्या है, तो ATP की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इस ATP को आपके शरीर के टिश्यू, ऑर्गन, सेल ग्रहण करते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। याद रखना बेटा स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है, मुंह में लार में स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। अगर फिर भी कुछ पच जाता है तो बेटा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि इस छोटी आंत में एक ऑर्गन जुड़ा हुआ होता है, उस ऑर्गन का नाम है पेंक्रियाज।
और इस पैंक्रियाज से, पैंक्रियाज को कहा जाता है अग्नाशय, और इस पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक जूस पाया जाता है, पैंक्रियाटिक जूस पाया जाता है यानी कि अग्नाशय रस पाया जाता है, और इस अग्नाशय रस में एमाइलेज एंजाइम होता है, जो एमाइलेज एंजाइम इस स्टार्च को माल्टोज में 100% बदलने का कार्य करता है। लेकिन ये चीजें आपको याद नहीं रखनी है, अगर आपको फिर भी जानना है कि हमारे शरीर में किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, किस तरीके से प्रोटीन का पाचन होता है, किस तरीके से वसा का पाचन होता है, तो बेटा मैंने अलग से क्लास ले रखी है। और अगर आपको फिर भी और डिटेल में जानना है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में जानना है, तो बेटा मैंने पाचन तंत्र आपको पूर्ण रूप से पढ़ा रखा है, जहां पर मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, आपके शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, आपके शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। लेकिन यहां पर जितना हो सकता है उतनी सारी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। अब बेटा कुछ मात्रा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आपको सीधा प्राप्त हो जाता है, जैसे कि कैसे, इतनी बात समझ में आ गई आपको, ओके। मैं आपको एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट को मिस्टाच की फॉर्म में खाते हैं, आपका जो मुंह है इस मुंह में लार पाई जाती है, और इस लार में एंजाइम पाया जाता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, जो स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। माल्टोज शुगर, फिर बाद में, ये तो मुंह की कहानी है भैया, मुंह में, अब यहाँ पर मुंह में पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है बेटा, उसके बाद में भोजन आपके छूटनली की सहायता से पेट में जाता है, पेट में कार्बोहाइड्रेट का किसी भी तरीके से पाचन नहीं होता है, पेट में सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है, उसके बाद में खाना जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत से एक ऑर्गन जुड़ा होता है पैंक्रियाज अग्नाशय, इस पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, इस पैंक्रियाटिक जूस में एमाइलेज एंजाइम होता है, जो अगर कोई स्टार्च बच गया है तो उसको 100% माल्टोज में कन्वर्ट करता है, माल्टोज शुगर में, इतनी बात क्लियर है। फिर बेटा इस छोटी आंत से ही एक जूस और निकलता है जिसे इंटेस्टाइनल जूस या आंतीय रस कहा जाता है, इस आंतीय रस में ये माल्टेज एंजाइम पाया जाता है, और ये जो माल्टेज एंजाइम है ये माल्टोज शुगर को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है, और ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है, इसके बाद में इसका पाचन नहीं होता है, उसके बाद में इसे कोशिकाओं के पास पहुंचाया जाता है, इस ग्लूकोज को ब्लड की सहायता से ये कोशिकाओं के पास पहुंचता है, और इस कोशिकाओं में इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तोड़ाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है उससे हमारे शरीर के ऑर्गन टिश्यू सेल्स काम में लेते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी रहती है। इतनी बात क्लियर है। तो कुछ इस तरीके से बेटा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि छोटी आंत में होता है। कुछ और चीजें हैं, कुछ और शुगर है, जैसे कि दूध में लैक्टोज शुगर पाई जाती है, तो डायरेक्ट उसका पाचन कैसे होता है, जैसे कि बादाम मूंगफली में माल्टोज शुगर पाई जाती है, डायरेक्ट आपको मूंगफली और बादाम खाने से भी मिल जाती है, जैसे कि गुड़ चीनी शहद इसमें सुक्रोज शुगर पाई जाती है, तो बेटा ये सुक्रोज शुगर को हम किस रूप में, कहने का मतलब कौन से एंजाइम तोड़ते हैं, तो वो भी किस तरीके से पाचन होता है, तो वो भी आपको बता देता हूँ। पहले सारी चीजें स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ओके भैया मिटा देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो चीजें आपको समझ में आएगी, एक बार में नहीं आएगी बेटा, भाई एक बार में नहीं आएगी, जब आप इस वीडियो को दो दो तीन तीन बार देखोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बेटा कार्बोहाइड्रेट मेन टॉपिक ये नहीं है ना कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं बता सकता। अगर मैं यहाँ पर बताने लग गया डिटेल में, वैसे सारी की सारी ये चीज़ें बताऊंगा लेकिन अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा, जिस तरीके से पर्सनल क्लास में समझाया जाता है उस तरीके से नहीं समझा सकता, क्योंकि टाइम का अभाव होता है। अगर आपको देखना है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, वसा का पाचन कैसे होता है, तो मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से जाकर देख लेना। देखिए बेटा, अगर आपने गुड़ खाया, चीनी खाई, शहद खाया, गन्ना, इसमें बेटा शुगर होती है सुक्रोज शुगर, कौन सी शुगर होती है, सुक्रोज शुगर होती है, और ये जो सुक्रोज शुगर है इस सुक्रोज शुगर को तोड़ने में यानी कि सुक्रोज शुगर का पाचन करने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, सुक्रेज एंजाइम सहायक होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में पाया जाता है। क्या नाम है, सुक्रेज एंजाइम, और ये सुक्रेज एंजाइम इस सुक्रोज शुगर को किस में तोड़ता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है, और मैंने कहा था कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके बाद में इसका पाचन नहीं होता, इसे ऑक्सीजन की सहायता से तोड़कर के इससे ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट अगर आपने बादाम
और मूंगफली का सेवन किया तो बादाम और मूंगफली से बेटा आपको मिलती है ये माल्टोज शुगर, ये माल्टोज शुगर। और माल्टोज शुगर को बेटा मैंने अभी अभी बताया कि छोटी आंत में माल्टेज एंजाइम पाया जाता है, और ये माल्टेज एंजाइम इस माल्टोज शुगर को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य करता है, और फिर बेटा इसी ही ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ करके या जला करके या बर्न करके इससे ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का। और बात करें तो बेटा दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है तो लैक्टोज शुगर पाई जाती है, और इस लैक्टोज शुगर को छोटी आंत में पाए जाने वाला जो लैक्टेज एंजाइम है, लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज में तोड़ने का कार्य करता है, और ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके बाद में इसका पाचन नहीं होता। तो कुछ इस तरीके से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब बेटा यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन सा एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है, जैसे कि मैंने पूछ लिया कि सुक्रोज एंजाइम क्या करता है तो सुक्रोज शुगर को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ने का कार्य करता है, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि माल्टेज एंजाइम का कार्य क्या है तो माल्टोज शुगर को बेटा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य करता है, मैंने आपसे पूछ लिया कि लैक्टेज एंजाइम का कार्य क्या है तो लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ने ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ने का कार्य करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुक्रोज एंजाइम माल्टेज एंजाइम लैक्टेज एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं तो इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाते हैं, यानी कि आंत के रस में पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमाइलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है तो बेटा पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुड़ चीनी शहद गन्ने में कौन सी शुगर होती है तो सुक्रोज शुगर होती है, बादाम मूंगफली में कौन सी शुगर होती है तो माल्टोज शुगर होती है, दूध में कौन सी शुगर होती है तो लैक्टोज शुगर होती है। ये सारे के सारे ही आपके एग्जाम के क्वेश्चन है बेटा, यहीं से ही आते हैं आपके क्वेश्चन, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग कहानी दी हुई होती है, और इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, और अधिकांश जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहीं से ही पूछे जाते हैं, बस फर्क कितना है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते इस वजह से आपको वो चीज़ें आती नहीं है। अब जब आपको मैं सिखा रहा हूँ तो आप स्किप करके किसी दूसरे टीचर के पास जाओगे जहाँ पर आपको प्रॉपर से सिखाया जाता है, और वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहाँ से तो आप पढ़ते नहीं हो। तो आशा करता हूँ यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कुछ इस तरीके से होता है, मुंह में आंशिक रूप से होता है और छोटी आंत में जाकर के पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी आपको डाउट है तो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला मैंने चैप्टर करवा रखा है, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। और अलग से पर्सनल से मैंने ये भी बता रखा है कि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, प्रोटीन का कैसे होता है, वसा का कैसे होता है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिए भैया, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके आगे चलते हैं। देखिए भैया अब आगे चलते हैं, हमने सीखा लास्ट स्लाइड में कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है। अब बात करते हैं बेटा कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो बेटा इस कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है तो वो होती है भैया सैकेराइड। ध्यान से समझना बेटा, क्या होती है सैकेराइड, हिंदी में भी सेम नाम है सैकेराइड। ये बेटा कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है, और इस सैकेराइड के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में बांटा गया है। इस सैकेराइड के आधार पर बेटा कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है तो तीन भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, पहला है भैया मोनोसैकेराइड। दूसरा कौन सा है तो दूसरा है भैया ओलिगोसैकेराइड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ओलिगोसैकेराइड नहीं होता है, डाइसैकेराइड होता है, लेकिन बेटा दो मिनट धीरज रखिए, सारे खेल आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड, तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो सैकेराइड होती है, और इस सैकेराइड के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। याद रखना बेटा ये जो सैकेराइड है, इस सैकेराइड की एक इकाई,
एक इकाई भाग लेती है भैया किसमें, इस मोनोसेकेराइड में, इसलिए इसे कहा जाता है मोनोसेकेराइड, क्योंकि इसमें इस सेकेराइड की सिर्फ एक इकाई भाग लेती है, और एक इकाई भाग लेती है इसलिए ही इसे कहा जाता है सिंपलेस्ट शुगर, यानी कि सरल शर्करा। क्या कहा जाता है? सरल शर्करा कहा जाता है। लेकिन जो ओलिगोसेकेराइड है, इस ओलिगोसेकेराइड में ये जो सेकेराइड है इसकी 2 से लेकर के 9 इकाई भाग लेती है। अगर भैया इस सेकेराइड की 2 इकाई भाग लेती है तो उसे कहा जाता है डाईसेकेराइड। क्या कहा जाता है? डाईसेकेराइड कहा जाता है। अगर इस सेकेराइड की 3 इकाई भाग लेती है तो उसे कहा जाता है ट्राईसेकेराइड। ध्यान से समझना मेरी बातों को, उसे कहा जाता है ट्राईसेकेराइड। अगर 4 इकाई भाग लेती है तो उसे कहा जाता है टेट्रासेकेराइड, टेट्रासेकेराइड। अगर भैया 5 इकाई भाग लेती है तो उसे कहा जाता है पेंटासेकेराइड। अगर 6 इकाई भाग लेती है तो उसे कहा जाता है हेक्सासेकेराइड। वैसे ही 7 इकाई भाग ले जाती है तो उसे हेप्टा, 8 है तो ओक्टा, 9 है तो नोन। तो 2 से लेकर के 9 इकाई भाग लेती है बेटा ओलिगोसेकेराइड में। और जो डाईसेकेराइड है इसका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, बेटा दैनिक जीवन में यूज करते हैं। अब ये डाईसेकेराइड कौन कौन सी है तो इसके एग्जाम्पल बेटा हम पढ़ने वाले हैं इस ओलिगोसेकेराइड में। और हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेटा इस डाईसेकेराइड से ही पूछे जाते हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे भैया ओलिगोसेकेराइड में। इसलिए बहुत सारे टीचर आपको मोनोसेकेराइड के बाद में डाईसेकेराइड लिखवाते हैं और उसके बाद में पॉलीसेकेराइड लिखवाते हैं, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो डाईसेकेराइड है बेटा ये एक ओलिगोसेकेराइड का उदाहरण है, जिसमें सेकेराइड के 2 से लेकर के 9 इकाई तक भाग लेती है। लेकिन हमारी डेली लाइफ में हम जो शुगर यूज, कहने का मतलब जो शर्करा काम में लेते हैं, वो डाईसेकेराइड लेते हैं बेटा, इसलिए हम डाईसेकेराइड के बारे में ही पढ़ेंगे। पॉलीसेकेराइड के बारे में बात करें तो इसमें सेकेराइड की 10 या फिर 10 से अधिक इकाइयां भाग लेती है, 10 या 10 से अधिक इकाइयां भाग लेती है भैया इस पॉलीसेकेराइड में, इसलिए इसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स शुगर, यानी कि जटिल शर्करा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी जटिल शर्करा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी सरल शर्करा है, तो बेटा मैं आपको इनके एग्जाम्पल देने वाला हूँ। मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको डाईसेकेराइड के एग्जाम्पल बताऊंगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही आती है, क्योंकि हम दैनिक जीवन में इन्हें ही उपयोग में करते हैं। और उसके बाद में मैं आपको पॉलीसेकेराइड के उदाहरण बताऊंगा। तो उनमें से फिर बेटा कोई भी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जो मोनोसेकेराइड है इसके उदाहरण होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। जो डाईसेकेराइड है उसके उदाहरण होते हैं लैक्टोज शुगर, माल्टोज शुगर, सुक्रोज शुगर। और जो पॉलीसेकेराइड है इसके उदाहरण होते हैं बेटा जैसे कि स्टार्च हो गया, काइटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, इनुलिन हो गया। तो ये सभी पॉलीसेकेराइड के उदाहरण होते हैं। अभी जितने भी मैंने आपको जो उदाहरण बोले हैं उन सभी के बारे में एक एक के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ से कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा और उनमें से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी एक सरल शर्करा है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा निम्न में से कौन सी एक जटिल शर्करा है, तो वो चीज़ भी याद रखनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई। मैंने आपसे कहा कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई सेकेराइड होती है, और सेकेराइड के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मोनोसेकेराइड, दूसरा है ओलिगोसेकेराइड, तीसरा है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में सेकेराइड की सिर्फ 1 इकाई भाग लेती है, ओलिगोसेकेराइड में
सेकेराइड की 2 से लेकर 9 इकाइयां भाग लेती है। अगर 2 इकाई भाग ले रही है तो उसे डाइसेकेराइड कहा जाता है, 3 इकाई भाग ले रही है तो उसे ट्राइसेकेराइड कहा जाता है, 4 इकाई भाग ले रही है तो उसे टेट्रासेकेराइड कहा जाता है, 5 इकाई भाग ले रही है तो उसे पेंटासेकेराइड कहा जाता है, 6 इकाई भाग ले रही है तो उसे हेक्सासेकेराइड कहा जाता है, 7 इकाइयां भाग ले रही है तो उसे हेप्टा कहा जाता है, 8 ले रही है तो ओक्टा, 9 ले रही है तो नोन, और बेटा 9 तक ही भाग लेती है। 2 से लेकर 9 तक इकाइयां अगर सेकेराइड की इकाइयां भाग लेती है तो वो ओलिगोसेकेराइड में आता है। और तीसरा आता है पॉलीसेकेराइड, जिसमें 10 या 10 से अधिक सेकेराइड की इकाइयां भाग लेती है। ये कॉम्प्लेक्स शुगर है, जटिल शर्करा है, क्योंकि इसमें 10 से अधिक सेकेराइड की इकाइयां भाग ले रही है, इस वजह से इसे कॉम्प्लेक्स कहा गया है। इसमें सिर्फ 1 इकाई सेकेराइड की भाग ले रही है, इसलिए इसे सिंपलेस्ट शुगर यानी कि सरल शर्करा कहा गया है। इतनी बात क्लियर है। अब एक एक के एग्जांपल जानते हैं, सबसे पहले मोनोसेकेराइड के, उसके बाद में ओलिगोसेकेराइड के, उसके बाद में पॉलीसेकेराइड के। तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। ओके भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? ओके। देखिए भैया, अब सबसे पहले बात करते हैं मोनोसेकेराइड के उदाहरण की। किसके बारे में भैया? मोनोसेकेराइड, हिंदी में भी सेम नाम है, मोनो सेकेराइड। मैंने कहा कि इसमें सेकेराइड की सिर्फ 1 इकाई भाग लेती है। इसमें भैया सेकेराइड की सिर्फ 1 इकाई भाग लेती है, और इसे क्या कहा गया है? सरल शर्करा कहा जाता है। सरल शर्करा कहा जाता है यानी कि सिंपलेस्ट शुगर कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। इसके उदाहरण के बारे में बात करो बेटा, तो इसके मुख्य रूप से 3 उदाहरण हैं। पहला है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज, और तीसरा है बेटा गैलेक्टोज। तो सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये भैया मोनोसेकेराइड के उदाहरण हैं। ये भैया मोनोसेकेराइड के उदाहरण है, और इन तीनों का ही सूत्र समान होता है C6H12O6। इन तीनों का ही सूत्र होता है भैया C6H12O6। इतनी बात क्लियर है। लेकिन इसका जो प्रकाशीय गुण होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का, वो अलग अलग होता है, वो आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। जब इसके घोल से प्रकाश को गुजारा जाता है तो इसका जो प्रकाशीय गुण होते हैं बेटा वो अलग अलग आते हैं। लेकिन याद रखना बेटा, इसका जो सूत्र होता है C6H12O6, ये इसका तीनों का ही सूत्र सेम होता है। तो मोनोसेकेराइड के उदाहरण कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। नंबर एक पर बात करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज आपको किससे प्राप्त होता है, इसके सोर्स क्या है? तो बेटा ग्लूकोज आपको प्राप्त होगा जूस से, जूसेज, फ्रूट से, इन सभी से आपको बेटा ग्लूकोज प्राप्त होता है। इतनी बात क्लियर है। जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहा जाता है। अगर आपने रक्त शर्करा भी कहा जाता है, अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको अच्छे से पढ़ा हो, अच्छे से पता होगा बेटा कि इसे रक्त शर्करा क्यों कहा जाता है, ब्लड शुगर क्यों कहा जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है बेटा, हमारे शरीर में 3 चीज़ों का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। और पाचन होने के पश्चात में भोजन का जो अंतिम रूप होता है वो ग्लूकोज होता है, वो बेटा ये ग्लूकोज होता है। और ये ग्लूकोज ब्लड की सहायता से हमारे कोशिकाओं के पास पहुंचता है। तो बेटा ये ब्लड जो होता है, ये इस ब्लड में हमारा ये ग्लूकोज होता है, इसलिए इस ग्लूकोज को कहा जाता है ब्लड शुगर, रक्त वाली शर्करा कहा जाता है बेटा। इतनी बात क्लियर है। उसके अलावा इसे कहा जाता है सेलुलर फ्यूल, कोशिकीय ईंधन। अब कोशिकीय ईंधन क्यों कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन भी इसलिए ही कहा जाता है, इसका संबंध भी बेटा किससे है? पाचन तंत्र से है। इसे कोशिकीय ईंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरीके से कार, बाइक को चलाने के लिए डीजल या फिर पेट्रोल की आवश्यकता होती है, डीजल या पेट्रोल को बर्न करके उसमें ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और उससे
वो डीजल और बाइक या फिर कार चलती है, ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर में फ्यूल की तरह कौन कार्य करता है? तो बेटा ये ग्लूकोज कार्य करता है। मैंने कहा कि भोजन का अंतिम रूप होता है ये ग्लूकोज, ब्लड की सहायता से कोशिकाओं के पास ले जाया जाता है और कोशिकाओं में इस ग्लूकोज को तोड़ करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में या जला करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट का मैंने आपको पाचन बताया था तब मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया था बेटा इसके बारे में। तो याद रखना है, ब्लड शुगर किसे कहा जाता है? रक्त वाले शर्करा ग्लूकोज को कहा जाता है, और सेलुलर फ्यूल कोशिकीय दहन किसे कहा जाता है? इस ग्लूकोज को ही कहा जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि ब्लड शुगर निम्न में से किस शर्करा को कहा जाता है? तो ग्लूकोज को कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिकीय दहन किसे कहा जाता है? तो ग्लूकोज को कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी होती है बेटा फ्रक्टोज। दूसरी कौन सी होती है भैया? फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज के सोर्स क्या है, किससे प्राप्त होती है? तो ये भी बेटा आपको फ्रूट से प्राप्त होती है, फ्रूट से, गन्ने से भी प्राप्त होती है, शहद में भी पाई जाती है। कौन बेटा? ये फ्रक्टोज, इसलिए इसे फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा फ्रूट में पाई जाती है, फलों में पाई जाती है, इसलिए इसे फ्रूट शुगर, फ्रूट शुगर, फलों वाली शर्करा, फलों वाली शर्करा कहा जाता है। याद रखना, गन्ने वाली शर्करा, शुगर कैन शुगर, गन्ने वाली जो शर्करा है वो भी फ्रक्टोज ही है भैया। वो भी कौन सी है? वो भी फ्रक्टोज शुगर ही है। गन्ने वाली शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज शुगर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गन्ने वाली शर्करा कौन सी है, तो फ्रक्टोज शुगर है, क्योंकि भैया ये गन्ने में पाई जाती है। इसे कहा जाता है शुगर केन शुगर, और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर, और इसे कहा जाता है नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी है बेटा? वो है फ्रक्टोज। इतनी बात क्लियर है? दिख नहीं रही है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रखना है नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर यानी कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, इस फ्रक्टोज को ही कहा जाता है। गन्ने वाली शर्करा शुगर केन शुगर, इसी फ्रक्टोज को ही कहा जाता है। फ्रूट शुगर फलों वाली शर्करा, इसी शर्करा को कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फलों में पाई जाती है, गन्ने में भी पाई जाती है फ्रक्टोज, इसलिए इसे गन्ने वाली शर्करा भी कहा जाता है, और ये सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा बेटा फ्रक्टोज को कहा जाता है। दो समझ में आ गए आपको। तीसरा कौन सा है? तीसरा था भैया आपका गैलेक्टोज। याद रखना बेटा, जो गैलेक्टोज शुगर होती है, ये गैलेक्टोज शुगर पाई जाती है आपके मिल्क में यानी कि दूध में पाई जाती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दूध में लेक्टोज शर्करा पाई जाती है, लेक्टोज शर्करा जब टूटती है तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटती है, तो वहां पर आपको ये बातें भी ध्यान रखनी है। मैं कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं डाइसैकेराइड का उदाहरण पढ़ाने वाला हूं अभी नेक्स्ट स्लाइड में, तो आपको ये सारी की सारी चीजें बताऊंगा। बोलो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपको मोनोसैकेराइड के उदाहरण समझ में आए या नहीं आए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके, एक बार और रिवीजन करवाता हूं। ध्यान से समझिए बेटा, हम बात कर रहे हैं मोनोसैकेराइड की। मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो सैकेराइड होती है, इस सैकेराइड की एक इकाई भाग लेती है बेटा इस मोनोसैकेराइड में। इतनी बात क्लियर है? इसलिए इसे सरल शर्करा या सिंपलेस्ट शुगर भी कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इन तीनों का सूत्र सेम होता है, C6H12O6, लेकिन इनका प्रकाशीय गुण जो होता है वो अलग अलग होता है। नंबर एक पर बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज किससे प्राप्त होता है? आपको जूस पीजिए, फ्रूट खाइए, इनमें आपको अच्छी मात्रा में ग्लूकोज मिल जाएगा। बेटा इसे ब्लड शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा ग्लूकोज होता है, इस वजह से इसे ब्लड शुगर कहा जाता है। इसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि कोशिकाओं में ही इस ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, इसलिए ये ईंधन के रूप में उपयोग में लिया जाता है, इसलिए इसे कोशिका का ईंधन कहा जाता है। नंबर दो पर बात करते हैं फ्रक्टोज की, ये किस किस से प्राप्त होता है फ्रक्टोज? आप फ्रूट्स फल खाइए, फलों में सबसे ज्यादा होता है ये फ्रक्टोज, इसलिए इसे फ्रूट शुगर कहा जाता है, फलों वाली शर्करा कहा जाता है। गन्ने में भी होता है ये, इसलिए इसे गन्ने वाली शर्करा या शुगर केन शुगर भी कहा जाता है, और ये सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है, इसलिए इसे नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर भी कहा जाता है।
नंबर तीसरी है गैलेक्टोज शुगर। ये गैलेक्टोज जो शुगर होती है बेटा, ये आपके दूध में पाई जाती है। दूध में लैक्टोज शुगर यानी कि लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। जब लैक्टोज शर्करा टूटती है तब जाकर के बेटा ये गैलेक्टोज शुगर का निर्माण होता है। या फिर आप कह सकते हो ये तीनों के तीनों ही बेटा ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज है, ये मोनोसेकेराइड के उदाहरण है। जब दो मोनोसेकेराइड इकाइयां जुड़ती है, जब दो मोनोसेकेराइड इकाइयां जुड़ती है, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से समझो, जब दो मोनोसेकेराइड इकाइयां जुड़ती है तब जाकर के डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। और डाइसेकेराइड किसका उदाहरण है? डाइसेकेराइड बेटा ओलिगोसेकेराइड का उदाहरण है। तो आइए समझते हैं बेटा अब ओलिगोसेकेराइड के उदाहरण के बारे में। सबसे पहले ये बात क्लियर हो गई आपको? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए भैया, मोनोसेकेराइड के उदाहरण हमने देखा ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अब बेटा नंबर दो पर आता है भैया आपका ओलिगो सेकेराइड। नंबर दो पर कौन सा आता है भैया? आपका ओलिगो सेकेराइड आता है। मैंने कहा कि इसमें सेकेराइड के दो से लेकर के नौ इकाइयां भाग लेती है, दो से लेकर के नौ इकाइयां भाग लेती है, नौ इकाई भाग लेती है। अगर दो इकाई भाग ले रही है बेटा सेकेराइड की तो उसे कहा जाता है डाइसेकेराइड। अगर तीन ले रही है तो उसे ट्राइसेकेराइड कहा जाता है। चार इकाइयां भाग ले रही है तो उसे कहा जाता है बेटा टेट्रा। पांच ले रही है तो पेंटा, छह ले रही है तो हेक्सा, सात ले रही है तो हेप्टा, आठ ले रही है तो ओक्टा, नौ ले रही है तो नोन। पीछे सेकेराइड लगा दीजिए। तो बेटा मुख्य रूप से हम भैया डाइसेकेराइड पढ़ते हैं। तो सेकेराइड की जब दो इकाई भाग लेती है तो उसे कहा जाता है डाइसेकेराइड। और मैं आपको बता दूं बेटा दैनिक जीवन में डेली लाइफ में हम जो उपयोग में लेते हैं वो डाइसेकेराइड को ही उपयोग में लेते हैं। इसलिए हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा वो डाइसेकेराइड से ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछे जाते। अब डाइसेकेराइड के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो पहला है बेटा सुक्रोज शुगर, दूसरा है माल्टोज शुगर, और तीसरा है भैया लैक्टोज शुगर। तो ये डाइसेकेराइड के उदाहरण है भैया। कौन कौन सा? सुक्रोज शुगर, माल्टोज शुगर और लैक्टोज शुगर। अब ये डाइसेकेराइड है भैया, ये डाइसेकेराइड है, ये डाइसेकेराइड के उदाहरण है। और मैंने कहा कि डाइसेकेराइड किससे मिलकर के बनी होती है? तो दो मोनोसेकेराइड से, दो मोनोसेकेराइड इकाइयां जब आपस में जुड़ती है, जब दो मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ती है बेटा तब जाकर के एक डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं सुक्रोज शुगर की, ध्यान से समझना। सुक्रोज शुगर की सबसे पहले बात आती है कि आपको किससे प्राप्त होती है, इसके सोर्स क्या है? तो बेटा गुड़, चीनी, शहद, गन्ना, इन सभी से आपको सुक्रोज शुगर प्राप्त होती है बेटा। इतनी बात क्लियर है? या तो कोई परेशानी, मिठाइयाँ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे ऑप्शन में मिठाइयाँ। और इससे सुक्रोज शुगर को बेटा एक नाम से और जाना जाता है टेबल शुगर। जो चीनी होती है उस चीनी में सुक्रोज शुगर पाई जाती है, इसलिए इस सुक्रोज शुगर को टेबल शुगर भी कहा जाता है। तो टेबल शुगर किसको कहा जाता है? सुक्रोज शुगर को कहा जाता है। जैसे कि टेबल साल्ट किसे कहा जाता है? टेबल साल्ट कहा जाता है NaCl को, सोडियम क्लोराइड को, जो हम सब्जियों में खाने बनाने में उपयोग में लेते हैं। वैसे ही टेबल शुगर किसे कहा जाता है? तो टेबल शुगर कहा जाता है सुक्रोज शुगर को, टेबल साल्ट कहा जाता है NaCl को, सोडियम क्लोराइड को। ये अच्छे से नहीं बना, लेकिन मैंने क्या कहा कि जो सुक्रोज शुगर है बेटा ये एक प्रकार की डाइसेकेराइड शर्करा है।
तो ये किससे मिलकर के बनी हुई है, दो मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर के बनी हुई होती है। तो जो सुक्रोज होता है बेटा, ये सुक्रोज होता है, ये सुक्रोज किससे मिलकर के बना होता है, सुक्रोज शुगर किससे मिलकर के बनी होती है, ये बनी होती है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। किससे मिलकर के बनी होती है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर के बनी होती है। और मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज क्या है, तो अभी अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बेटा मोनोसेकेराइड के उदाहरण बताए थे, एक तो था ग्लूकोज, दूसरा था फ्रक्टोज और तीसरा था गैलेक्टोज। तो बेटा जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पर भैया किसका निर्माण होता है, इस सुक्रोज शुगर का निर्माण होता है, जो कि एक डाइसेकेराइड का उदाहरण है। मैंने कहा कि जब दो मोनोसेकेराइड इकाइयां जुड़ती है तो एक डाइसेकेराइड का निर्माण होता है, जब दो मोनोसेकेराइड इकाइयां जुड़ी बेटा तो एक डाइसेकेराइड का निर्माण हुआ, जो कि है एक सुक्रोज शुगर, जो कि डाइसेकेराइड का एक उदाहरण है। अगर मैं इसके सूत्र की बात करूं तो देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। दूसरा फ्रक्टोज का सूत्र भी सेम होता है, C6H12O6। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं बेटा तो जल बाहर निकल जाता है H2O। कार्बन कार्बन कितने हो गए, 12 हो गए, तो C12। H हाइड्रोजन कितने हो गए, 24 हो गए, लेकिन बेटा दो हाइड्रोजन तो यहाँ निकल गए तो H22 होता है। और ऑक्सीजन 6, 6, 12 हो गए, एक ऑक्सीजन निकल गया तो O11 आएगा। तो ये जो सूत्र होता है C12H22O11, मैं कैमरे को थोड़ा इधर कर देता हूँ, ये देखिए O11, ये जो सूत्र होता है बेटा, ये जो सूत्र होता है, ये सूत्र किसका होता है, इस सुक्रोज शुगर का होता है। जब भैया दो मोनोसेकेराइड इकाइयों को आपस में गर्म किया जाता है या जोड़ा जाता है और थोड़ी सी हीट दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है, तो भैया C12H22O11 के साथ में थोड़ा सा जल निकलता है, जो कि एक सुक्रोज शुगर है। बोलो बोलो भैया, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सुक्रोज शुगर समझ में आ गया, जल्दी जल्दी बताओ, आशा करता हूँ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके भैया ले लिया स्क्रीनशॉट, सुक्रोज शुगर समझ में आ गया, ओके मिटा देता हूँ। और अब बात करते हैं बेटा किसके बारे में, माल्टोज शुगर के बारे में, किसके बारे में, माल्टोज शुगर के बारे में। माल्टोज शुगर भी बेटा एक प्रकार का क्या है, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड शर्करा है। अरे भाई किसका उदाहरण है, डाइसेकेराइड का ही तो उदाहरण है, तो आइए इसके बारे में भी समझते। और ये अगर डाइसेकेराइड का उदाहरण है बेटा तो इसका मतलब क्या है कि ये भी भैया दो मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर के बनी हुई होगी, बिल्कुल बनी हुई है भैया। दूसरी आती है आपकी माल्टोज शुगर, और ये माल्टोज शुगर होती है, ये इनके सोर्स क्या है, इसके सोर्स है बेटा अंकुरित बीज। जो अंकुरित बीज होते हैं, जो अनाज होते हैं, जैसे कि बादाम, मूंग, मूंगफली, चना, काजू, इन सभी में बेटा माल्टोज शुगर पाई जाती है, इन सभी में माल्टोज शुगर पाई जाती है। और माल्टोज शुगर एक डाइसेकेराइड शर्करा का उदाहरण है, ये दो मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर के बनी हुई होती है। कौन कौन सी, तो बेटा माल्टोज शुगर जो बनी होती है ये बनी हुई होती है बेटा किससे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। जब ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में जुड़ता है तो किसका निर्माण करता है, माल्टोज शुगर का। और मैंने आपको बताया था कि माल्टोज शुगर को छोटी आंत में माल्टेज एंजाइम पाया जाता है, जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य करता है। और इस माल्टोज शुगर को बेटा बादाम शर्करा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बादाम शर्करा भी कहा जाता है। याद रखना ये जो माल्टोज शुगर होती है ये हमारे ब्रेन के लिए अच्छी होती है, ये हमारे ब्रेन के लिए अच्छी होती है बेटा। तो माल्टोज शुगर समझ में आ गई आपको। तीसरी देखिए भैया, लैक्टोज शुगर, जो लैक्टोज शुगर होती है इसका सोर्स क्या है, किससे प्राप्त होती है ये, तो बेटा ये मिल्क में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है मिल्क शुगर, इसलिए इसे कहा जाता है दूध वाली शर्करा।
तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूध वाली शर्करा कौन सी है, तो लैक्टोज शुगर है, या दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टोज शुगर पाई जाती है, बादाम में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो माल्टोज शुगर पाई जाती है। ये चीजें आपको याद रखना है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और ये लैक्टोज शुगर जो होती है ये भी एक डाइसेकेराइड का उदाहरण है, तो कौन सी दो मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर के बनी हुई होती है, तो बेटा जो लैक्टोज शुगर होता है, ये लैक्टोज शुगर कब बनता है, जब ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज आपस में जुड़ता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में जुड़ता है, तब जाकर के भैया किसका निर्माण होता है, इस लैक्टोज शुगर का निर्माण होता है। तो डाइसेकेराइड हम डेली लाइफ में यूज में लेते हैं बेटा, इसलिए हमारे सिलेबस में डाइसेकेराइड ही है और हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, ना कि ट्राइसेकेराइड के बारे में, ना कि टेट्रासेकेराइड के बारे में, ना कि पेंटासेकेराइड के बारे में, ना कि हेक्सासेकेराइड के बारे में। इसलिए बहुत सारे टीचर मोनोसेकेराइड के बाद में डायरेक्ट डाइसेकेराइड पढ़ा देते हैं, लेकिन बेटा याद रखना है ये एक प्रकार की ओलिगोसेकेराइड का उदाहरण है, जिसमें सेकेराइड की 2 इकाइयां से लेकर के 9 इकाइयां तक भाग लेती है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर 3 पर पॉलीसेकेराइड के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके भैया, अब ध्यान से समझना बेटा। अब हमारा नंबर 3 पर कौन सा है, पॉलीसेकेराइड है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है, 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो जो चीजें होती है समझना है आपको, अगर डिटेल में अच्छे से जानना है तो बेटा एक बार में चीजें सेट नहीं होती है, वीडियो को बार बार देखिए आप। अगर आप 2 बार भी देख लेते हो तो आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से सारे के सारे ही चीजें समझ में आ जाती है। डाउट लाइक बेटा मैं कुछ छोड़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि एक एक चीज को मैं 2-3 बार बता देता हूँ, एक बार लिख के बता देता हूँ, एक बार बोल के बता देता हूँ, फिर आपका रिविजन करवा देता हूँ। 3 बार बताने पर भी अगर आपको चीजें याद नहीं होती है तो उसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन का विकसित होना अभी बाकी है। देखिए देखिए भैया, अब नंबर 3 पर बात करते हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में। किसके बारे में? पॉलीसेकेराइड के बारे में। मैंने कहा कि पॉलीसेकेराइड में सेकेराइड की 10 या फिर 10 से अधिक इकाइयां भाग लेती है, 10 या 10 से अधिक इकाइयां भाग लेती है, इसलिए इसे कहा गया था बेटा कॉम्प्लेक्स शुगर, यानी कि जटिल शर्करा कहा गया था। इसे क्या कहा गया था? इसे जटिल शर्करा कहा गया था। अब बेटा ये 2 अवस्थाओं में होती है, एक होती है स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर, एक होती है स्ट्रक्चर फॉर्म में, यानी कि संरचना अवस्था में, और दूसरी होती है ये स्टोरेज फॉर्म में, यानी कि संग्रहित अवस्था में। मैंने कहा कि 2 तरीके से होती है भैया पॉलीसेकेराइड, एक तो होती है स्ट्रक्चरल फॉर्म में यानी कि संरचना अवस्था में, और एक होती है स्टोरेज फॉर्म में यानी कि संग्रहित अवस्था में। उदाहरण देखिए, पहला सेलुलोज, आप सभी को पता है बेटा जो प्लांट होते हैं, इन प्लांट की जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, इस कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन सहायक होता है, तो सेलुलोज सहायक होता है, इसलिए मैंने कहा कि ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में है यानी कि संरचनात्मक अवस्था में है। दूसरा काइटिन, देखिए बेटा जो काइटिन होता है, जो कीट होते हैं उन कीटों का जो बाहरी आवरण होता है, जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है, वो काइटिन का ही बना होता है। वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। तो डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। कीटों का जो बाहरी आवरण होता है ये किसका बना होता है, तो ये काइटिन का बना होता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यहाँ लिख देता हूँ, कवक की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है,
तो याद रखना बेटा, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो भी किसकी बनी होती है, वो भी काइटिन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। तो सेलुलोज और काइटिन ये दो एग्जांपल याद रखना है बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्म में यानी संरचनात्मक अवस्था में, जो कि दोनों ही सेलुलोज और काइटिन दोनों ही एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। दूसरी अवस्था है स्टोरेज फॉर्म यानी कि संग्रहित अवस्था। याद रखना जो प्लांट होते हैं उन प्लांटों में जो संग्रहित खाना होता है, जो संचित भोज्य पदार्थ होता है, वो बेटा किस रूप में होता है, वो होता है स्टार्च की अवस्था में। और जो एनिमल्स होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनमें जो संग्रहित खाना होता है वो होता है ग्लाइकोजन की अवस्था में। जैसे कि हमारे शरीर में हमारा जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो ग्लाइकोजन की अवस्था में होता है। एक होता है डहेलिया, ये एक प्लांट है, और इसमें जो खाना जो उपस्थित होता है यानी कि इसमें खाना जो संचित भोज्य पदार्थ है वो इनुलिन की अवस्था में होता है। किस अवस्था में, इनुलिन की अवस्था में होता है। स्टार्च मैं लिख देता हूं पादपों का संचित भोज्य पदार्थ है, पादपों का संचित भोज्य पदार्थ है, जड़ों में जाकर के स्टोर होता है ये स्टार्च, जड़ों में जाकर के स्टोर होता है। ग्लाइकोजन ये जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ है, जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ है, और जो इनुलिन है ये डहेलिया, डहेलिया एक पादप होता है, इस पादप का संचित भोज्य पदार्थ है। तो याद रखना है बेटा आपको कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन, सेलुलोज और काइटिन ये सभी बेटा पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं। और इनसे प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पादपों का संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है, स्टार्च है जो कि जड़ों में उपस्थित होता है, और ग्लाइकोजन जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ है जो कि लेवर या फिर एडिपोज टिश्यू के पास जाकर के स्टोर होता है, इनुलिन ये डहेलिया पादप का, डहेलिया एक पादप है जिसका संचित भोज्य पदार्थ है, सेलुलोज प्लांट की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, काइटिन कीटों का जो आवरण होता है बाहरी आवरण वो काइटिन का बना होता है, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो भी बेटा काइटिन की बनी हुई होती है। अब ये संचित भोज्य पदार्थ होता क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारे शरीर में भोजन का जो अंतिम रूप होता है वो ग्लूकोज होता है। जितने हमारे शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है उतना तो भैया कोशिका इस ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण कर लेती है। लेकिन मान लीजिए कि आज मेरे शरीर को एनर्जी की आवश्यकता कम है और किस दिन मैंने ज़्यादा काम किया तो उस दिन ज़्यादा रहेगी। तो होता क्या है, हमारे शरीर में जितनी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है उतना तो काम में ले लेते हैं, लेकिन बचा हुआ जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को हम ग्लाइकोजन के रूप में, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में हम हमारे एडिपोज टिश्यू के पास या लेवर के पास पैसा स्टोर करके रख देते हैं, ताकि जिस दिन हम व्रत रहे या फिर हमने खाना नहीं खाया है उस दिन हमारे शरीर को एनर्जी की आवश्यकता हो तो वापस ग्लूकोज को, इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में बदला जा सके और वापस इससे एनर्जी बनाई जा सके। तो हमारे शरीर के ये जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ होता है ग्लाइकोजन। ठीक उसी तरीके से स्टार्च पादपों का संचित भोज्य पदार्थ होता है, और जो डहेलिया पादप होता है इसका संचित भोज्य पदार्थ होता है इनुलिन। तो आशा करता हूँ बेटा ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आपका कार्बोहाइड्रेट पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, लगभग 1 घंटा और 10-11 मिनट की क्लास हो चुकी है। अब रही बात कि ये जितनी भी मैंने आपको जो चीज़ें पढ़ाई है बेटा ये सभी के सभी नेचुरल कार्बोहाइड्रेट है। अब आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट और होती है तो उनके बारे में मैं एक अलग से क्लास ले लूँगा, और वहाँ से अक्सर क्वेश्चन भी कम में ही पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कभी एक छोटी सी क्लास लेके जब भी टाइम मिलेगा तब। और वैसे मैं आपको बता दूँ हम ह्यूमन ब्रेन वाला चैप्टर यानी कि नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, अगर आपने वो भी नहीं पढ़ा है तो जाइए, उसके भी 4-5 क्लास हो चुकी है, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर, टाइम लगा थोड़ा सा लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे लेकर के सारी जेड तक मैंने सारी जानकारी आपको दी है, और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।